हुसैन अपने नाना से लेकर इजाजत। मतलब सुन के आप बता दें, इंशाल्लाह कुछ शेर में आपको सुना दूंगा। एक बार पेशी कह दें, सुभान अल्लाह। हुसैन अपने नाना से लेके इजाजत, हुसैन अपने नाना से लेके इजाजत, मदीने से बोले निकलते निकलते, हुसैन अपने नाना से लेके इजाजत, हुसैन अपने नाना से लेके इजाजत। जरा वो मंजर सोचे कि जब मेरे इमाम हुसैन करबला के लिए रवाना हो रहे थे मदीने शरीफ से, वो घड़ी कैसी घड़ी होगी। और मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हुसैन अपने नाना से लेके इजाजत, मदीने से बोले निकलते निकलते, हुसैन अपने नाना से लेके इजाजत, हुसैन अपने नाना से लेके इजाजत, हुसैन अपने नाना से लेके इजाजत, मदीने से बोले निकलते निकलते, मदीने से बोले निकलते निकलते, मैं जादे के वादा निभाऊंगा नाना, जादे के वादा निभाऊंगा नाना, मैं जादे के वादा निभाऊंगा नाना, शरीयत की राहों पे ही चले कहते सुभान अल्लाह। मैं जादे के वादा निभाऊंगा नाना, मैं जादे के वादा निभाऊंगा नाना, शरीयत की राहों पे ही चलते चलते, मैं जादे के वादा निभाऊंगा नाना, जो खूने नहाया हुसैनी माहौल है। कह दे हाथों को उठा गया हुसैन, जो खून नहाया अली का दुलारा, तो कर मनाने ये देखा नजारा, जो खून नवासे को जन्नत का दूल्हा बना दे, नवासे को जन्नत का दूल्हा बना दे, चले आए नाना मचलते मचलते, का दूल्हा बना दे। एक नारा तो इसमें लग जाए, यह इमाम हुसैन का चाहने वाला एक नारा लग जाए सामने से, कोई दीवाना नहीं है इधर, कोई है। महफिल में हाँ, आवाज थोड़ी क्लियर कीजिए। एक बार कहते सुभान अल्लाह। मौलाना मुराद साहब, ये शेर पढ़ता हूँ आपके हवाले से, इंशाल्लाह आपके ईमान में ताजगी आ जाएगी। एक बार हाथों को उठा के कहते हैं या हुसैन, सुनिएगा। कयामत के पुल से वही पार होगा, अगर लगे कि अगले मिसरे में आपकी बात हो रही है तो एक एक हाथ उड़ जाएंगे। पढ़ता हूँ देखिएगा। कयामत के पुल से वही पार होगा, वाह वाह
कयामत पुल से वही पार होगा, हुसैन हसन से जिसे प्यार होगा। सामने में भी कयामत के पुल से वही पार होगा, हुसैन हसन से जिसे प्यार होगा, हुसैन हसन से जिसे प्यार होगा। मगर ये भी सच है कि दो सख में सारे, मगर ये भी सच है कि दो सख में सारे गिरेंगे यजीदी फिसलते फिसलते। ये देखिए बाएं बाएं तरफ वाले लोग जो है बेदार हो गए हैं, सामने वाले भी कहते हैं एक बार हाथों को उठा के, बच्चे बोल रहे हैं सारे लोग या हुसैन। हुसैन अपने नाना से लेके इजाजत असद भाई ये माना के आलो मोहम्मद है बच्चे, ये माना के आलो मोहम्मद है बच्चे, मगर दीन की खातिर वो ज़ैनब के बेटे, मगर दीन की खातिर वो ज़ैनब के बेटे, अकेले हजारों की धज्जी उड़ाने, अकेले हजारों की धज्जी उड़ाने, चले आए रंग में उछलते उछलते। मैंने दिगर जगहों पे शेर को पढ़ा तो लोगों ने अच्छा सुना, तभी मुझे उम्मीद थी कि घुसड़ी में तो और अच्छा सुनेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी उम्मीद पे अभी खरे नहीं उतरे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, तैयार है तो कहते हाथों को उठा के सारे लोग या हुसैन। ये माना के आलो मोहम्मद है बच्चे, ये माना के आलो मोहम्मद है बच्चे, मगर दीन की खातिर वो ज़ैनब के बेटे, मगर दीन की खातिर वो ज़ैनब के बेटे, अकेले हजारों की धज्जी उड़ाने, अकेले हजारों की धज्जी उड़ाने, चले आए रंग में उछलते उछलते। एक नारा इस तरफ किस जाने से लग जाए, जल्दी से कोई इमाम हुसैन का दीवाना नारा लगा दे एक बार। और हमारे जमजम भाई बैठे हैं, खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं, दुआ कीजिए। इनकी वालदा की तबीयत दलील है, इमाम हुसैन की महफिल के सदके में अल्लाह ताला शिफायाबी अता करे। कहते सुभान अल्लाह। वफादार घोड़ा जीतदार घोड़ा, वफादार घोड़ा जीतदार घोड़ा, इशारे पे आकाश के सारे लोग। वफादार घोड़ा वो जीतदार घोड़ा, इशारे पे आपा सके ऐसा दौड़ा, वो
दरिया की जानिब बढ़ा जा रहा है, वो दरिया की जानिब बढ़ा जा रहा है। यजीदी के सर को उचलते नारे शहीद आजम, सुभान अल्लाह, हुसैन। दोबारा सुनेंगे, देखिए इन लोगों को समझ में आ गया, आपको समझ में नहीं आया लगता है, आ गया ना, कह दे सुभान अल्लाह। वफादार घोड़ा वो जीदार घोड़ा, वफादार घोड़ा वो जीदार घोड़ा, इशारे पे आपस के ऐसा दौड़ा, इशारे पे आपस के ऐसा दौड़ा, वो दरिया की जानिब बढ़ा जा रहा है, वो दरिया की जानिब बढ़ा जा रहा है। यजीदी के सर को उचलते उचलते, और एक शेर पढ़ता हूँ, मौलाना जावेद साहब सुनिएगा और जरा कलेजा मजबूत कर लीजिए, शेर ही कुछ ऐसा है, पढ़ता हूँ देखिएगा। जरा सोचिए तो वो कैसी घड़ी थी, जरा सोचिए तो वो कैसी घड़ी थी, हुसैन अली के गले पर छुरी थी, हुसैन गले पर छुरी थी, मगर फिर भी दीने मोहम्मद का नारा, मगर फिर भी दीने मोहम्मद का नारा, सफा पर रहा दम निकलते निकलते। ये मैंने नया कलाम पढ़ दिया, अब कुछ पुराना भी पढ़ दूं आपकी इजाजत हो तो कह दे हाथों को उठा के।